हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था हम लोगों का, उसमें हम लोग एटॉमिक मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की बात किए थे, और साथ साथ मोल के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे। वो ये फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूला का बात किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में कि नंबर ऑफ एटम जो होता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है, वो गिवेन मास बाय मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास भी आपको बताए थे कि किसी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवेन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवेन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय 6.022×10²23, या फिर यही फॉर्मूला एक आया था। तो इन फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तब तक ये आपका कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इन फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं उसको हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, उसको भी समझना होता है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू 10²22 एटम्स ऑफ पीबी। लेड का इतना एटम है तो उसमें उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स एटम के टर्म में हम लोग क्या फॉर्मूला देखे, तो फॉर्मूला था अपने पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाई 6.022×10²23। तो गिवन नंबर ऑफ एटम कितना है अपने पास, 4.55×10²22। तो इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना है, 0.0755 मोल। ये आया नंबर ऑफ मोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 8.50 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का 8.50 ग्राम, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू गिवेन मास ऑफ कार्बन बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। तो गिवेन मास कितना है, 8.50, और मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12, तो बाय 12। तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, 0.708 मोल। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है 12.044×10²22 एटम्स ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा? तो गिवेन नंबर ऑफ एटम्स बाई 6.022×10²23, तो गिवेन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 12.044×10²22 एटम्स ऑफ सोडियम। इतना दिया हुआ है तो उस गिवेन नंबर ऑफ एटम को यहाँ पर हम पुट कर दिए, बाई 6.022×10²23। तो सॉल्व करने पर 2×10⁻¹ आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मोल। फिर है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 40 ग्राम में कैल्शियम का कितना नंबर ऑफ मोल होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40/40। गिवन नंबर, गिवन मास कितना है, 40 ग्राम, और मोलर मास भी कैल्शियम का 40 ग्राम ही होता है, तो 40/40 इक्वल टू 1 मोल। फिर नेक्स्ट है 20 ग्राम NaOH। 20 ग्राम NaOH, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू गिवेन मास बाय मोलर मास। गिवेन मास कितना है, 20, और मोलर मास इसका निकाल लें NaOH का, तो NaOH का अगर मोलर मास निकाल लें तो सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम हो जाएगा। एक चीज़ समझना, कभी कभी ये आपसे देखा जाएगा
कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मोलर मास जो होता है वो एक मोल का होता है मास, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस का ख्याल रखना है। ओके, दोनों अलग एक नहीं होता, दोनों सेम नहीं होता। ओके, एक होता है जिसमें एक मोल की बात की जाती है, और एक होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक पार्टिकल की बात की जाती है। ओके, तो देखिए, तो गिवेन मास कितना है? 20 ग्राम है, तो 20/40 मतलब 1/2 मोल। फिर नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ CaCO3, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? गिवेन मास 20 ग्राम है बाय मोलर मास, तो कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम 40 ग्राम। कार्बन कितना? 12। ओके, कार्बन 12, और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन मतलब 3 × 16। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का 16 × 3 मतलब 48। ओके, ओवरऑल सम करने पर 100 हो जाता है, मतलब 20/100 = 1/5, जो कि 0.2 मोल होगा। फिर नेक्स्ट है 27 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O = 27 बाई कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 × 1, और प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो +16, तो हो क्या गया? तो हो जाएगा 27/18, जो कि 3 बाई 2 हो सकता है, और उसको आप लिखेंगे तो 1.5 मोल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ग्राम CaCO3। ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करने बोल रहा है अब इसमें, कि ऑक्सीजन का कितना मास। तो सबसे पहले क्या कर लें हम, कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट कर लें, तो गिवेन मास 100 है और मोलर मास भी 100 होता है CaCO3 का। ओके, आप अभी देखे हो जस्ट थोड़ी एक क्वेश्चन पहले, तो हो कितना गया? 1 मोल, यानी CaCO3 का यहाँ पर 1 मोल है। ओके, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 है, तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन का है? 3 मोल ऑक्सीजन का, O3 है मतलब 3 मोल है। ओके, 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ, सो यहाँ पर 3 मोल दे दिया, गिवन मोल मिल चुका है हम लोग को, नंबर ऑफ मोल मिल चुका है 3 मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास हम लोग को पता होता है, तो गिवन मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 3 मोल। गिवन मास नहीं मालूम है, मोलर मास 16 होता है, तो गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 16 मतलब 48 ग्राम। ओके, अब आगे 50 ग्राम ऑफ CaCO3 में बताना है। ओके, 50 ग्राम CaCO3 में क्या होगा? तो आइए देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, तो 50/100 मतलब 1/2 मोल। ओके, तो देखिए, यहां 1 मोल CaCO3 में, 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ओके, O3 है, ध्यान रखना, मतलब 3 मोल है। ओके, 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा? तो हाफ मोल में 3/2 मोल हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट हाफ मोल में 3/2 मोल हो जाएगा। ओके, तो फिर आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 3/2। गिवन मास तो नहीं मालूम, लेकिन मोलर मास मालूम है 16, तो गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 × 3/2 मतलब कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स मास एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 22 ग्राम ऑफ CO2।
22 ग्राम CO2 लिया गया है, इसमें ऑक्सीजन का मास बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है और मोल बताना है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले देख लें नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना है गिवन मास से। 22, तो 22 में कितना हो जाएगा, गिवन मास 22 और मोलर मास कितना, तो एक कार्बन का 12 प्लस दो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 तो वो कितना जाएगा 12/44। ओके, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 मोल। ओके, तो यहां पर देखो, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हाफ मोल में कितना होगा, क्योंकि हाफ मोल ही हम लोगों को यहां पर मिला, तो हाफ मोल में कितने हो जाएंगे, तो हाफ मोल में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, हाफ मोल में 1 मोल ऑक्सीजन होगा। अब यहां पर हम लोग कर लें मास, कैलकुलेट कर लें कि मास कितना होगा। तो मोल्स तो मिल चुका है कि कितना मोल होगा, देख लीजिए कितना मोल होगा ऑक्सीजन का, 1 मोल होगा ऑक्सीजन का। ओके, तो अब आगे हम लोगों को मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, गिवेन मास बाई मोलर मास। तो मोल हम लोग को मिल चुका है 1, और गिवेन मास नहीं मालूम, मोलर मास मालूम है 16, तो 16 × 1 हो जाएगा इक्वल टू 16, मतलब गिवेन मास 16 ग्राम। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवेन नंबर ऑफ एटम्स बाय 6.022×10^23। ओके, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, 6.022×10^23, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022×10^23 एटम आ जाएगा। ओके, गिवेन नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है हर एक एलिमेंट का इन 2 मोल ऑफ KCl3। ओके, तो यहां पर देखा जाए पोटेशियम का कितना नंबर ऑफ मोल है, 2 मोल होगा, क्लोरीन का कितना होगा, 2 मोल होगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऐसे 2 KCl3 ऐसे लिखा हुआ। ओके, तो ऑक्सीजन का 3 × 2 तो कितना हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा टोटल, तो ऑक्सीजन का 6 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ के तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022×10^23 तो कितना आएगा, 12.044×10^23 एटम्स। फिर आगे बात करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन की, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, तो गिवन नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 है, इंटू क्या हो जाएगा, 6.022×10^23। ओके, तो 12.044। फिर बात कर लें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स के, तो क्या हो जाएगा, 6 मोल है, तो 6 × 6.022×10^23 क्या हो जाएगा, 6 × 6.022×10^23 मतलब 36.132×10^23 एटम्स। ओके, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ C6H12O6 में बताना है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल देख लें कि कितना होगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, कितना नंबर ऑफ मोल है। तो देखिए गिवन मास 45 और मोलर मास क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 × 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 12 × 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है, तो 6, तो 6 × 16 तो ओवरऑल सम करने पे कितना रहा, 180, यानी 45/180 मतलब 1/4 मोल। ओके, 1/4 मोल, तो फॉर कार्बन नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 1/4×6। ओके, 1/4×6 क्योंकि एक मोल में कार्बन के कितने मोल थे, 6। एक मोल अगर लें, सिर्फ ऐसा लें हम कि C6H12O6 ये ले सिर्फ, तो इसमें क्या हो जा रहा, अगर एक मोल कार्बन है तो उसमें कार्बन, एक मोल अगर ये ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन के कितने मोल हैं,
6 मोल, तो अपने पास ग्लूकोज का कितना मोल है 1/4, तो उसमें कितने हो जाएंगे कार्बन के नंबर ऑफ मोल, तो 3/2 यानी 1/4 × 6, जिसको 3/2 मोल बोलेंगे। अब 3/2 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, तो 3/2 × 6.022 × 10⁻², तो इतना एटम हो जाएगा। ओके, फिर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन की बात करें तो 1 मोल अगर ले रहे हैं ग्लूकोज का, तो 1 मोल में 12 ऑक्सीजन है। ओके, 1 मोल में 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर ले रहे हैं तो उसमें 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, तो 1/4 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पर निकाल लें 1/4 × 12, मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1/4 × 12। ओके, तो आएगा कितना 3 मोल। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देख लीजिए 3 × 6.022 × 10⁻², यानी ओवरऑल आएगा 18.066 × 10⁻²। ओके, फिर वहीं ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1/4 में कितना हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/4 × 6, मतलब 3/2 मोल। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 3/2 × 6.022 × 10⁻³, मतलब 9.033 × 10⁻³ एटम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू गेट 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर 9 मोल ऑक्सीजन पाने के लिए हम लोगों को KClO3 का कितना मोल चाहिए होगा, ये बताना है। तो देखिए, तो अगर हम लोग 1 मोल ऑफ KClO3 ले रहे हैं, अकेले KClO3 ले रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी O3 है मतलब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1 मोल KClO3 में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो उस तरीके से इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ KClO3, देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1/3 मोल ऑफ KClO3, तो 9 मोल कितने में हो जाएगा, तो 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1/3 × 9 मोल ऑफ KClO3, तो कितना आ जाएगा 3 मोल ऑफ KClO3। ओके, यानी कि हम लोग को 3 मोल KClO3 का जरूरत होगा टू प्रिपेयर 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मास ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड टू गेट 3.011 × 10⁻²⁷ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो समझिए, आप अगर CO2 का 1 मोल लें, यानी 1 मोल मतलब मोलर मास मतलब 44 ग्राम, अगर CO2 का 44 ग्राम ले रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ CO2 और उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। बात को समझना क्लियरली, CO2 का अगर 1 मोल ले रहे हो, तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 44 ग्राम, और 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट हैं, 2 मोल। ओके, समझना यहाँ पर, तो 2 मोल मतलब कितने एटम्स, तो 2 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर है, 2 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके, तो यूनिटरी मेथड आगे बढ़ाए हम लोग, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम में होगा, तो 44/2 × 6.022 × 10⁻²³ ऑफ CO2। तो हम लोगों को कितने एटम का बताना है, तो हम लोगों को प्रिपेयर करना है 3.011 × 10⁻²³, तो यहाँ पर लिख लें कि 3.011 × 10⁻³। ओके, 3.011
0.011 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने में होगा? तो वन के लिए उतना था, तो इतने के लिए क्या हो जाएगा, इंटू थ्री इतने ये कर देंगे, तो ओवरऑल अपना कैलकुलेटर के आ जाएगा। यानी यूनिटरी मेथड का यूज किए तो ये आपका कैलकुलेशन, यानी 11 ग्राम ऑफ CO2 का यूज करेंगे हम लोग, तब जाके हम लोगों को 3.011 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ओवरऑल सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट पर, यानी नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, और आपसे इतना ही क्वेश्चन किया जाता है। ओके, तो जितने भी टाइप्स पॉसिबल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड, उन सारे टाइप्स को हम कवर कर दिए और उनको हम समझा दिए आपको। अब आप खुद से इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।